इस वक्त की बड़ी खबर है, सनसनीखेज खबर है विरार से। विरार पूर्व के एक परिवार में 5 बच्चों में फूड प्वाइजनिंग होने की खबर सामने आई है। जी हाँ, बड़ी खबर है ये विरार से। विरार के मांडवी थाना क्षेत्र में घटना हुई है, विरार पूर्व का मांडवी थाना क्षेत्र, जहां पर 5 बच्चों में फूड प्वाइजनिंग की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसमें 2 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई है और 3 अन्य का इलाज अभी भी जारी है। इस बारे में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अशफाक खान नाम का एक रिक्शा चालक है, जो अपने परिवार के साथ मांडवी क्षेत्र के कन्हेर के नालेश्वर नगर में रहता है। उन्होंने बताया कि रविवार की रात रिक्शा चालक अपने घर पर आया और अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया, जिसके बाद रात में अचानक उनके 5 बच्चों का अचानक से पेट दर्द करने लगा और उन लोगों ने उल्टियां करना शुरू कर दिया। इसके बाद बच्चों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान डॉक्टर ने पूछा कि बच्चों को क्या हुआ, तो परिवार ने बताया कि उन्हें फूड प्वाइजनिंग हो गई है, तो डॉक्टर ने उन्हें बड़े अस्पताल ले जाने की बात कही। इसी दौरान 5 बच्चों में से 2 बच्चों की, जिसमें आशिफ खान जिसकी उम्र है 5 वर्ष और एक फरीद खान लड़की जिसकी उम्र है 7 वर्ष, ये दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा 3 बच्चे फराना खान, आरिफ खान और साहिल खान, इन्हें तुलिंच हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेज दिया गया है। अब इन 3 बच्चों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। इस पूरी घटना में सिर्फ बच्चों को ही फूड प्वाइजनिंग हुई है और पति पत्नी दोनों सुरक्षित हैं। इस घटना के बारे में मांडवी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रफुल्ल वाघ ने बताया कि यह घटना रात लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच की है, जब हमें यह जानकारी मिली और तत्काल हमने पुलिस के साथ टीम के साथ पहुंचकर वहां पे घटना स्थल पर मुआयना और पंचनामा किया। इसके साथ ही वहां पे खाने का भी सैंपल लिया और उसे लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाया था। खाने में परिवार ने दाल भात बनाया था और साथ मिलकर खाया था, लेकिन इस दौरान इस तरह की विष बाधा यानी फूड प्वाइजनिंग कैसे हुई इसकी जांच शुरू है। साथ ही ये फूड प्वाइजनिंग बच्चों में ही कैसे हुई इसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि उनके खाने में छिपकली गिरने से घटना हुई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान या इस मामले में इस कथन की पुष्टि नहीं की है।